रहमतुल्लाहि व बरकातहू आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ गुलाम नबी मदनी पाकिस्तान की सियासत के लिए अगले बहत्तर घंटे बहुत अहम हैं पाकिस्तान की सियासत में आने वाले बहत्तर घंटों में बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं या तो मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान हुकूमत में रहेंगे और पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा दिवालिया होने की तरफ जाएगा या फिर असम्बलियाँ तोड़कर पाकिस्तान को नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाएगा और इस दौरान पाकिस्तान में एक आवामी मंतखब हुकूमत आएगी जो पाकिस्तान की मौजूदा मुशी सूरत हाल को भी संभालेगी और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएगी पाकिस्तान को खाना जंगी और फसादात से बचाएगी जो इमरान खान का देरीना मुतालबा भी है आप जानते हैं इमरान खान की हकूमत का तख्ता अमरीकी साजिश के ज़रिए से डेढ़ माह पहले उल्टा गया इमरान खान डेढ़ माह से बल्कि सत्ताईस मार्च जब उन्होंने आवाम के साथ इस्लामाबाद के अंदर ख़िताब किया था अमर बिल बिल्माफ जलसे के अंदर है उसमें उन्होंने आवाम को ये बात बताई थी कि अमरीका ने साजिश करके उनकी हकूमत को गिराया है वो सिर्फ़ उनकी हकूमत को नहीं गिराया गया था बल्कि पाकिस्तान को डी स्टेबलाइज़ करने पाकिस्तान की जो मुशी तरक्की है उसे रोकने और पाकिस्तान के अंदर जो कमज़ोर मीशत संभली थी उसको तबाह करने के लिए अमरीका ने साजिश रचाई थी अब किराम अगले घंटे क्यों अहम है और क्यों इसकी बाज गश्त सुनाई दे रही है नासिर रात को नजम सेठी का एक वीडियो क्लिप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके अंदर नजम सेठी पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा उन पर वाजे तौर पर तनकीद कर रहे थे कि आपने तो शहबाज शरीफ को फंसा दिया है और इमरान खान के जो प्रेशर है और उसमें जनरल बाजवा आ चुके हैं और जनरल बाजवा भी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं आज ना काम सुबह सवेरे पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग का हामी मीडिया है जो जिसके के अंदर तलत हुसैन भी रहे हैं और जिसके अंदर अब दीगर अंसार अब्बासी जैसे लोग भी हैं उन्होंने भी आज नून लीग के जो बायदा मीडिया है जियो न्यूज़ उस पर बाकायदा ये रिपोर्टें और ख़बरें चलना शुरू हुई कि नवाज़ शरीफ भी चाहते हैं कि हम इस इन हालात के अंदर हम अपने सर पर कोई भी किसी भी तरह का इल्ज़ाम ले सकते हैं और हमें फ़ौरी तौर पर एलेक्शन में जाना चाहिए अनसार अब्बासी ने तो ये भी कहा है कि नवाज़ शरीफ और उनके करीबी जरा बता रहे हैं कि इसी हफ्ते फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान की असम्बलियां तोड़नी हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है इसको असम्बलियां पूरे करने के लिए रखना है नाजन क़राम इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इम्पोर्टेड हकूमत है इनके दरमियान इख्तलाफा है इनके दरमियान लड़ाई है एक दूसरे के गरेबान खींच रहे हैं एक दूसरे की टांगें ये लोग खींच रहे हैं और इनके दरमियान में किसी भी तरह की हम आहंगी नहीं है अनसार अब्बासी ने जियो के अंदर रिपोर्ट देते हुए ये बात कही है कि शहबाज शरीफ के हाथ पांव बांध दिए गए हैं और शहबाज शरीफ कोई बड़े फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं और नासी काम जियो न्यूज़ पर यह ख़बरें भी आवाम को सुनाई जा रही हैं कि मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे महंगाई होती है तो इससे मुल्क दिवालिया तो नहीं होगा ये बेहतर है कि पाकिस्तान की आवाम को महंगाई कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए ना ये कि, कि मुल्क को दिवालिया कर दिया जाए और मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा करवा दिए जाएँ नासिर ये बात याद रखें ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं जियो न्यूज़ हो गया या फिर मफ्ता इसमाइल हो गए

वो रिकॉर्ड वापस किए हैं इतने कर्जे इमरान खान ने अपनी हकूमत में वापस किए हैं गैर मुल्की कि इससे पहले सत्तर सालों में कभी इतने कर्जे वापस नहीं किए गए थे तीस अरब डॉलर के कर्जे इमरान खान ने अपनी हकूमत में वापस किए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है इससे पहले कभी इतने कर्जे वापस नहीं किए गए हैं नाजी कराम पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आज मुआशी हालात हैं इससे पहले यानी डेढ़ माह में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ इससे पहले नहीं हुआ है जब नून लीग की हकूमत जब हकूमत छोड़कर गई थी तो उस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था पाकिस्तान के सात अरब डॉलर सिर्फ रिजर्व रह गए थे और इमरान खान ने आज से दो माह पहले पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं उनकी जो हजम था उनका वो 22 अरब डॉलर तक वो लेकर गए थे और पिछले डेढ़ माह के अंदर छे अरब डॉलर पाकिस्तान के जो रिजर्व थे जो असासे थे उनमें से वो कम हुए हैं छह अरब डॉलर पाकिस्तान के असासे कम हो गए हैं सैंतीस फीसद रिज़र्व कम हो गए हैं पाकिस्तान अब दुनिया से पेट्रोल ख़रीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं और इसी तरह से नाजन इक्राम पाकिस्तान के अंदर डेढ़ माह के अंदर आटे के अंदर चार सौ रुपए का इजाफ़ा हो गया है चीनी के अंदर रिकॉर्ड इजाफा हो गया है बिजली के अंदर पंद्रह रुपये तक का इजाफा हो चुका है जो एल एन जी गैस होती है जो आम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं उस गैस के अंदर नाजुन इक्राम दो सौ तीन सौ रुपये तक का इजाफा हो चुका है और इसी तरह से जो दीगर आशियाई जरूरतें हैं उनकी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है और अभी ये लोग पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं इनकी मुनाफ़त आप देखें कि एक तरफ़ से ये लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर बड़ा या है और इससे मीशत पर बड़ा बड़ा बड़े खौफनाक असरात पड़े हैं इमरान खान को कीमतें बढ़ानी चाहिए थी हालांकि यही मफ्ता इसमाइल कजाब था जो इससे पहले ये कहता था कि एक सौ सैंतीस रुपये से एक रुपये भी ऊपर अगर तारिक इंसाफ़ की हुकूमत ने पेट्रोल के रेट बढ़ाए तो हम नहीं मानेंगे और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं मफ् इसमाइल कि अभी हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन अब हमें बढ़ानी जरूर पड़ेंगी और हम आईएमएफ से बात करेंगे और जरूर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो राशि काम इनसे बड़ा منافق कोई नहीं है عوام को इनके पास कोई भी किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं है चार दिन हो गए हैं शहबाज शरीफ को वो पाकिस्तान से भागा हुआ है ये कहता था कि मैं 6 बजे ऑफिस आऊंगा इसने आवाम की एक छुट्टी भी ख़त्म कर दी मुलाज़मीन की और ये कहा कि अब काम 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 करना है और चार दिन से लंदन के अंदर अयाशी कर रहा है शॉपिंग कर रहा है परफ्यूम खरीद रहा है होटलों में जा रहा है और आज काम इसके वज़रा भी वहाँ पर सरकारी अहदे इस्तेमाल करते हुए लंदन के अंदर अयाशियाँ कर रहे हैं मटर गश्त कर रहे हैं तो ये लोग पाकिस्तान को संभालेंगे अब मसला ये है इनके दरमियान कि आसफ़ जदारी कहता है कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए और कीमतें भी नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि आसफ़ जदारी को पता है उसका बेटा बड़ी मुश्किल से वजी ख़ारजा बना है शायद उसको ये दोबारा कभी मौका ना मिल सके लिहाजा वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे को कुछ अरसा मजीद वज़ी ख़ारजा देखना चाहते हैं और इसी तरह से मौलाना फजल वो भी ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें भी ना बढ़ाई जाएं और साथ साथ इलेक्शन में भी ना जाया जाए क्योंकि मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि डेढ़ साल जो असम्बली का या एक साल असम्बली का टैनोर बचा हुआ है इसमें कम अज़ कम उनका बेटा जो वजीर है और जिसे सीनियर वजीर भी बना दिया गया है कम अज कम वो अपनी वजारत के मज़े तो ले सकें तो ये हाल है इन मुनाफिक की यानी इनके पेश नज़र आवाम के कोई मसाइल नहीं है और इन्होंने पिछले साल जो पिछले हकुमत, जो पिछली हकुमत थी साढ़े तीन साल उसके अंदर इन्होंने जितने लॉन्ग मार्च किए वो वो मुनाफकत से भरे हुए थे अब आप मौलाना फजल रमान की मिसाल देखें कि ये हर वक्त इमरान खान को यहूदी एजेंट कहता था लेकिन अब इसराइल का विजट पाकिस्तानी शहरीों ने किए हैं और उन लोगों ने किया है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है मौलाना फजल जो यहूदी एजेंट पर अपनी सियासत करते हैं वो इस यहूदियत नवाजी पर इसराइल नवाज़ी पर उनका एक लब भी नहीं खोला है मुनाफ्त का ये हाल है कि इमरान खान के खिलाफ छूटे लॉन्ग मार्च तो कर लिए दावों पर लेकिन अब जबकि वो हकूमत में हैं वो इसराइल नवाजी और भारत नवाजी पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं क्या कहा जाता था कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया है कश्मीर को अब बेचा जा रहा है कि कश्मीर जैसे जो कातिल हैं कश्मीर के उनके साथ यराने बढ़ाकर ये दोस्ताना ताल्लुक बना रहे हैं तो ये नाजु निकराम इस हकूमत का हाल है इमरान खान और बल्कि नाजुकाम सिर्फ यही नहीं अब फौज को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है और एक तरह से तड़ियां लगाई जा रही हैं फौज को जैसा सेठी ने लगाई और जैसा कि दीगर जो नून लीग के सहाफी है तर्जुमान वो तड़ियां लगा रहे हैं कि अगर आपने हमें मदद देनी है तो दें हम कौमी सलामती का इजलास बुलाएंगे जो मुश्किल फ़ैसले हमने करने हैं पेट्रोल भराना है बाकी चीज़ें करनी है इसका जो बोझ है वो आप भी उठाएं हम अकेले ये बोझ नहीं उठा सकते हैं और ये मिन्नतें भी की जा रही हैं कि फौज हमारे उंगली पकड़कर हमें मदद दे और उंगली पकड़कर हमें चलाए और उंगली पकड़ हमें जो हकूमत है वो चलाने के लिए देखे नासी काम सची बात यह है कि इमरान खान ने जिस अंदाज से इन सब का शिकंजा कसा है और जिस तरह से इमरान खान ने इन सब की पिटाई की है ये सब नंगे हो गए हैं इमरान खान ने शुरू में कहा था कि एक वो तदबीर है जो ये लोग बना रहे हैं और एक मेरा अल्लाह तदबीर बनाता है और मेरे अल्लाह की जो तदबीरें हैं वो सब तदबीरों पर हावी होती हैं इन्होंने इमरान खान को यह कहा कि वो इसको तोशा खाना जैसे स्कैंडल में फंसा देंगे इसकी करैक्टरसिनेशन की कोशिश की गई इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया और इसी तरह से नाजीन कराम इमरान खान की जमात को हमेशा के लिए कलदम करने का प्लान बनाया गया लेकिन आज ये सारी चीज़ें उनके गले पड़ रही हैं इमरान खान ने अपनी इंतबी कम्पेन अब ख़त्म करने की तरफ वो बढ़ रहे हैं अब उन्हें मज़ीद इंतबी कम्पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन बहरहाल आवाम को उनके साथ डटे रहने की ज़रूरत है लेकिन इतनी जो कम्पेन उन्होंने चलाई है इसमें इन सब गद्दारों को डाकुओं को चोरों को लुटेरों को एक्सपोज कर दिया है इमरान ख़ान ने बता दिया है कि मैं साढ़े तीन साल के अंदर इन डाकुओं से लूटा हुआ ख़जाना लेना चाहता था लेकिन जो इंसाफ करने वाले थे जो मुनफिन थे जो ताकतवर थे उन्होंने इन डाकुओं से चोरों से जो लूटा हुआ ख़जाना है वो मुझे नहीं लेने दिया गया अगर आज वो अरबों रुपये पाकिस्तान के ख़जाने में आ जाते तो कम अज कम पाकिस्तान आई एम एफ का गुलाम ना होता कम अज कम पाकिस्तान के अंदर आज लोड शेडिंग ना होती और आज आवाम इस तरह के मसाइल के अंदर ना उलझते फिर नाजीन कराम इमरान खान कौम के लिए पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फैसला कर रहे थे कि वो रूस से सस्ता पेट्रोल और रूस से वो सस्ती गंदम खरीद रहे थे ताकि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की किल्लत है वो पूरी हो सके तो की जरूरिया पूरी हो सके पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल हो सके और जो गंदम की वजह से आटे का बहरान होता है इससे निपटा जा सके क्या ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये रूस से तजारत करेगी क्या ये रूस से जो पेट्रोल है वो खरीदेगी अब ये पेट्रोल क्यों बढ़ा रहे हैं किसने कह दिया कि इनको पेट्रोल बढ़ा दें भारत रूस से सस्ते दामों पेट्रोल खरीद रहा है वहाँ तो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं तो ये लोग आई एम एफ की इमां पर क्यों कीमतें बढ़ा रहे हैं याद रखें नाजीन इक्राम ये डाकू और कज्जाब झूठ बोलते हैं कि अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई तो इससे ज्यादा महंगाई नहीं आएगी क्राम पहले ही इतनी महंगाई आ चुकी है यानी आप अंदाजा लगाएं जो आटे का थैला 800 सौ रुपए का था वो इन्होंने 1100-1200 का कर दिया बल्कि तो खबरें हैं चौदह तक जा पहुंचा है 500-600 सौ रुपए इजाफा हो गया है तो एक गरीब आदमी जिसकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं है तो वो किस तरह से इन चीजों को वो इनको हैंडल कर सकता है तो इसलिए रासि काम सच का साथ देना है अमरीकी साजिश करने वाले गद्दार बेनकाब हो चुके हैं